जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। प्लीज रिलैक्स, मैं कोई दूध पीती छोटी बच्ची नहीं हूँ कि यहाँ वहां जाऊंगी और खो जाऊंगी। आहिस्ता बोल आहिस्ता, अगर ये तेरी बातें ना वड्डे साईं के किसी बंदे ने सुन ली तो वो तेरे टोटे करके ना चीलों को डाल देंगे। फिर तेरे पाँव रात के इस पहर कमरे से निकलकर यहाँ तक कैसे पहुँच गए? बोल जवाब दे। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, वक्त बदल गया, वो कहीं मैं कहीं और। सच पूछो तो उस वक्त दोस्ती का मतलब नहीं समझता था मैं, लेकिन अब पता चला कि बस वो ही एक दोस्त थी। इतने सालों के बाद उससे मेरी मुलाकात हुई है, अब मुझे समझ नहीं आ रही उसका फोन क्यों बन जा रहा है। वैसे बहुत ही अजीब कहानी सुनाई तुमने। कहानी? ये कहानी नहीं है, हकीकत है। तो तुम उसके घर फोन करके पता कर लो। मैं उसके सिवा किसी को भी नहीं जानता। मगर कोई तो होगा ना जिसको उसकी खबर होगी। हाँ सभी, कहाँ था तू? बड़ी देर से तुझे ढूंढ रहा हूँ। क्यों, मैंने क्यों ढूंढ रहा तू? खैर से? एक जरूरी बात करनी है तुझसे। कौन सी बात? वो जो नया लड़का नहीं आया सर्कस में। सनी की बात कर? हाँ उस्ताद, वही। मुझे उसकी हरकतें मशकूक लगती हैं। अरे पहलियाँ क्या बुझावे से, खुल के बात कर। गाँव के लोगों से मिलता फिर रहा है, कोई खुसर फुसर कर रहा है और बच्चे इकट्ठे करके मेला सा लगा लेते हैं। लगता है जैसे कोई साजिश कर रहा है। कौन सी साजिश? अरे पूरी बात का पता कर, वो बता मैंने। ठीक है उस्ताद, मैं पता करता हूँ। ये छोरे पे शक तो मैंने सह, ये जरूर कोई बात है अंदर की। ये ऐसा कुछ हद आदमी को नहीं, ये जरूर कोई मुखबर सह या कोई सरकारी बंदा सह। तू पता लगा, इसका पता लगा ये कौन सा है, क्या करे सा है। अरे सफी, इसने चिकनी बातें करके बड़े साईं को अपने जाल में फांस लिया है। इब तू कोई पक्की बात बतावेगा तो मैं जाके बड़े साईं से बोलूंगा। एक बार तू इसका भेद खुल लेन दे, ऐसा ऐसा घसीटूंगा गले में रस्सी डाल के ना, तो जमाना देखेगा। वो तो ठीक है उस्ताद, मगर तू नहीं दिखाई देता आजकल। बताऊंगा तने, एक मिशन पे काम कर रहा हूं और कब भी फंस गई एक, और इस बात का बड़े साई को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ बस तू थोड़े दिनों की बात है, ये सर्कस वालों का ध्यान रख, एक एक बात पे नजर रख, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात करे तो मैंने फोन करके बता, ठीक सर? हाँ ठीक है उस्ताद, तू बेफिक्र हो जा, तुझे एक एक मिनट की खबर देता रहूंगा। हाँ सभी, तू बंदा काम का सा। कुछ पता चला? नहीं, मुझे लगता मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ? जहां से उसकी कोई खबर मिल सके। जाने की क्या जरूरत है, किसी को फोन करके पता करवा लो। यही तो मसला है, मेरे पास उसके अलावा किसी और का फोन नंबर ही नहीं है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। हो सकता है उसने खुद फोन बंद किया हो या कहीं मसरूफ हो। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मुझे बताए बगैर वो अपना फोन कभी बंद नहीं कर सकती। अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझे वो बताती जरूर। कुछ दिन इंतजार कर लो, हो सकता है वो खुद राबता कर ले। बहुत मोहब्बत करते हो उससे। ये का खुसर फुसर लगा रखी से दोनों? अरे बोलता क्यों नहीं? क्यों, तुझे बताना बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी से, ला जरूरी। उरे क्या होवे, क्या बात होवे, क्या ना होवे, इसका राणे को पता होना जरूरी से।
देख रहा ना, मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि अपने काम से काम रखा कर, हर किसी को फजूल में परेशान ना किया कर तू। अरे ओ मिस्टर परेशान, इब तू मने बताएगा कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है, यो फैसले तो राणा करे, तू नहीं। समझ आ गई या अपने दूसरे तरीके से समझा दूं तने? बता कौन सा तरीका तेरा, बोल कौन सा तरीका तेरा। रछोरा, जिंदगी में तू पहला आदमी था जिसने राणे का सीना ठोक के बात की से। तू जानदा कोनी राणे को, जानदा कोनी तू राणे को। यो जो तू छोरियों के सामने हीरो बने से ना, तारी सारी अक्कड़ में एक मिनट में निकाल दूंगा, एक मिनट में निकाल दूंगा। समझ आ गई? अच्छा देख लूंगा तुझे मैं, बड़ा राणा तनवीर बना फिरता है। अरे वाह सनी, छा गया तू मेरी जान, क्या कहने तेरे। राणे राणे, सारी सारी जिंदगी की रखी रखाई दो मिनट में खाक में उड़ा दी। आज जोकर असे से थारे पे, जोकर राणा, जोकर असे थारे, कल को सारी बस्ती असेगी। ना राणा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। वो छोरा ऐसे कोनी, उसके पीछे जरूर कोई हाथ है, मैं कैसे समझा दूं, मैं किसे पकड़ लूं उसको। राणा जलील होगा तू, जलील हो गया। बोले किसमें जरूरत है राणे के साहब, खाक जरूरत है, थारी मिट्टी में मिला दी। उस छोरे ने थारी मिट्टी में मिला दी, उसमें जरूरत को नहीं इतनी, उसके पीछे कोई बात है, उसके पीछे कोई हाथ है। राणा राणा कब पता चलेगा तुम्हें। राणा क्या बात है राणा, बहुत परेशान लग रहा है। तुम्हारी तो वैसे भी शक्ल देखने को दिल नहीं करता, ऊपर से ऐसा मुंह बनाता है तो बिल्कुल लांती लगता है। बताओ मुझे क्या बात है। परेशानी तो सह बड़ा सही, पर मने तो नू लागे जी के आपको हमारी बात पे यकीन ही कोनी। नहीं नहीं, क्यों यकीन नहीं करूंगा तुम्हारी बात पर, तुम तो मेरे खास आदमी हो। बताओ बताओ मुझे क्या बात आए। वो बड़ा सही, वो छोरा सा है ना सर्कस में नया। कौन सा, किस लड़के की बात कर रहे हो। सनी की बात करूं सुजी, वो जिसको मैं लेके आया था आपके पास। अच्छा अच्छा, वो तो बड़ा अच्छा लड़का है, तुम हर वक्त बच्चों की तरह उसकी शिकायत करते हो, क्या बात है। बेटा सही, उसने तो हमारी जिंदगी अजाब बना दी जी, जलील करके रख दिया सबके सामने उसने मने। उसकी वजह से जी
सारे लोग हमारे हाथ से निकल गए। हंसे जी, हंसे हमारे पे। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा लड़का है, मैं उसे समझाऊंगा। समझाने की कोई जरूरत को नहीं बड़ा साईं, निकाल के बाहर कर दे। हमने सर्कस में उसकी कोई जरूरत को नहीं। मैंने बताया है ना कि मैं उसको समझा दूंगा, तुम्हें क्या मसला है उससे? अच्छा इतने दिनों से बता तू कहाँ था? मैंने सुना था कि तुम शहर गए हो। हाँ वो बड़ा सही एक जरूरी काम था जी। क्या काम था ऐसा जरूरी तुम्हें शहर में जो मुझे बताए बगैर चला गया? ओ सरकार आप तो जान दे हैं जी, हमारी छोरी सा जी उधर उसको ढूंढने गया था, नीरब के पास है। नीरब अभी तक जिंदा है? मैं तो उसे भूल गया था। आई थी वो यहां भी सरकारी गाड़ी झंडे वाली में, लोगों को मेरे खिलाफ करने के लिए। मैंने उसको रोका भी मगर भाग गई। वो बड़ी खतरनाक चीज है बड़ा सही, जब तक वो जिंदा है हमारे लिए खतरा है। सरकारी स्कूल बनाने के पीछे भी उसी का हाथ है जी। बड़ा सही वो वहां शहर में बैठ के अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करके यहां के लोगों को आपके खिलाफ भड़कावे से। बड़ी खतरनाक चीज है बड़ा सही, मेरा बड़ी खतरनाक चीज है। जब तक वो जिंदा है हमारे लिए खतरा है। सरकारी स्कूल बनाने के पीछे भी उसी का हाथ है जी। बड़ा सही वो वहां शहर में बैठ के अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करके यहां के लोगों को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। पानी पिला दो मुझे, पानी पिला दो। हेलो, कहाँ हो तुम? मुझे अभी मिलना है तुमसे। तो ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूं, लेकिन मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। हाँ तुम घर जाने की बजाय सीधे मेरे पास आओ, ठीक है? कैसे हैं सही आप? मैं ठीक हूं। खैरियत तो है ना? फोन पर आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे थे। तुम जैसे दोस्त जिसके हो उसको परेशानी नहीं होगी तो और क्या होगी? क्या मतलब है सही? मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं सका। तुम खुद बता दो मैं कैसे तुम्हें समझाऊं। मेरा तो ख्याल था कि तुम MNA हो, हुकूमत तक तुम्हारी पहुंच है, मगर तुमसे ज्यादा ताकतवर तो वो लड़की है जो सरदार नूर खान की मुखालिफत में अपनी कुर्सी और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा चुकी है, मगर हार नहीं मानी। और एक तुम हो, शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। लड़की साईं, किस लड़की की बात कर रहे हैं आप भला?
उसका नाम बताने से सारे मसले हल हो जाएंगे। मीरब नाम है उसका, मेरी सर्कस से भाग कर गई थी, अब सरकारी अफसर बनकर सरदार नूर खान को शिकस्त देने के बारे में सोच रही है। बच्चों को पढ़ाकर सर्कस के लोगों को बागी बनाना चाहती है। उसे उसकी कुर्सी से हटाना होगा। तुम बताओ, तुम ये काम कर सकते हो या नहीं? जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज तक तुम्हारी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। मुझे एक ही जवाब चाहिए, तुम ये काम कर सकते हो या नहीं? एक बार पहले मुझे उसका पता करवा लेने दे, सारी मालूमात इकट्ठी हो जाए तो मैं बता सकता हूं कि मैं उसका क्या कर सकता हूं। ठीक है, ये तुम्हारा काम है, मैं क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम इसमें कामयाब ना हो सके तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तुम इतनी क्यों परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, चिड़ची के बारे में सोच रही हूं, कितने परेशान है वो। ठीक कह रही हो तुम, भाई वाकई बहुत परेशान है। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्यों है परेशान। अब भी वो परेशान हो रहे उस औरत के लिए। अब तो उन्हें समझ जाना चाहिए कि वो औरत उनके साथ सिंसियर थी ही नहीं, फ्रॉड थी वो, धोखा दिया है उस औरत ने इनको। इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, उसका धोखा और फ्रेब दिखाई नहीं देता। अगर वो वाकई फ्रॉड थी तब भी भाई उसको भूल नहीं पाएंगे। तो फिर अब क्या करेंगे? सारी जिंदगी उस मीरब के इंतजार में बिता देंगे? पता नहीं, अभी तो वो उसके गुम होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाने का सोच रहे हैं। कह रहे थे कि उनका कोई दोस्त है थाने में, उससे बात करेंगे। क्या थाने में? पागल हो गए क्या वो? प्लीज उन्हें समझाइए कि वो ऐसा सोचे भी नहीं। वो क्यों? क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? हादी देखो, हमारा हमारा इस सोसाइटी में कोई नाम है, लोग क्या सोचेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, हम क्या जवाब देंगे उन्हें? वैसे तुम्हें यह सब सोचने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सब सवालों का जवाब दे देंगे। क्या मतलब है? देखो हदी, प्लीज 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 जेठ जी को ऐसा करने से रोको, कुछ तो करो। देखो तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, अगर अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा होगा? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे उसे तुमने गायब करवाया। बस तुमसे मुझे इसी बात की उम्मीद थी। तौबा है, कोई भी काम सही ना करना ना बोलना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि अगर बात पुलिस तक पहुंच गई तो क्या होगा। मुझे किसी भी तरह से जेठ जी को रोकना ही होगा, बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए। अगर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? अगर मैंने खुद बात की जेठ जी से तो उन्हें शक हो जाएगा। हाँ एक काम करती हूँ, हादी के जरिए जेठ जी को रोकती हूँ, ये ठीक रहेगा। क्या सोचती रहती है तू हर वक्त? दे
देख नीनी, मेरी तरफ देख, मेरे साथ बोला कर, हंसा कर, देखना किस चीज की कमी है मुझ में। दौलत है, ताकत है, सेहत है, तुम हुक्म तो करो, कौन सी चीज तुम पर लुटा दूं। देख नीनी, तू मेरे साथ बोला कर, हंसा कर, तू नहीं बोलती तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। अब देखना जो कुछ भी हुआ है इसे अल्लाह साईं का लिखा समझकर भूल जा। कैसे भूल जाऊं मैं साईं? ये जो कुछ भी हुआ ना, अल्लाह ने मेरी किस्मत में नहीं लिखा, आपने जबरदस्ती मेरी किस्मत ऐसी बनाई है, कैद किया हुआ मुझे यहां पे। लेकिन मैं आपको बता रही हूं साईं, जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना, मैं भाग जाऊंगी यहां से। अच्छा भाभी, वो मीरब का कुछ पता चला है? मुझे कुछ नहीं पता, मीरब कहां है, किधर गई है? बस तू जल्दी जल्दी एक फरमा बरदार बेटा मेरी गोद में डाल दे। ऐसा कुछ नहीं होगा साईं, कुछ नहीं। देख पुत्र, तू ना अब मां बनने वाली है, बस तू इसी तरह खुश रह कर। नहीं साईं, नंबर बन जा रहा है। तो जाओ सर्कस में जाकर उसे तलाश करो, लेकर आओ उसे यहां। Subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.